ड्रग्स की दुकान है यहाँ पर जो है मेरे ऊपर हमला हुआ और मैं आज शराब जो शुरू में बिक रही थी उसकी खबर करने आया हूँ। जैसे खबर करने के लिए मैंने अपना मोबाइल निकाला तभी तुरंत ये जो है एकदम से जो है 5 जने इस शराब की दुकान से जो है वो आकर के मुझसे भयंकर मारपीट कर लगे। मुझे बहुत मारा, मेरे आँखों में लगी, मेरे बैग में लगी, मेरे कंधे में लगी और जो मेरे पाँव में लगी है। काफ़ी 5 जनों ने काफ़ी मारा, करीब 20 से 25 मिनट मारा होगा गिरा के और जो है लकड़ी से मारा। और इसके बाद में जो है मैंने पुलिस को किसने सूचना दे दी, रतनाड़ा पुलिस, जोधपुर के रतनाड़ा पुलिस की जो गाड़ी आई और तुरंत सारे लोग भाग गए। उन्होंने जो है रतनाड़ा पुलिस थाने में थाने ले गए और थाने लेकर के जो है वो FIR के लिए कंप्लेंट दिखाने के बोला, FIR दर्ज हुई और मेरा MLC कराया गया महात्मा गांधी अस्पताल के अंदर जोधपुर में। और मेरे पीठ पे, मेरे कंधों में, मेरे हाथ में, मेरे पाँव में और काफ़ी लगी। और इसके बाद में जो है वो बोल रहे हैं जाँच चालू है, मुझे न्याय व्यवस्था पे भरोसा है और हमने अपने समाचार पत्र में ये सारी जो है डिटेल डाली और हमने लगातार समाचारों के माध्यम से मैंने पहले भी करीब 10 से 15 वीडियो जो हैं वो बनाए हैं जिसमें अवैध जो है वो जो समय सीमा के बाद में जो है वो बेचा जा रहा था, शराब की बिक्री जा रही है, लाइव वीडियोज हमने दिखाए थे। तो आज एक कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। मुख्यमंत्री की गृह क्षेत्र और गिरेंद्र सिंह शेखावत जो हैं यहाँ के MP रहे हैं उनके क्षेत्र में अगर किसी पत्रकार पर जानलेवा हमला होता है तो एक सवालिया निशान खड़ा करता है। और हम चाहते हैं भाई, मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम पत्रकारों की जान सुरक्षित रहे, लेकिन अभी लगता नहीं कि पत्रकारों की जान हम सुरक्षित नहीं है और वो समय शायद दूर नहीं अगर यही हाल रहा, दिन दहाड़े पत्रकारों को मारा जाएगा। ऐसा लगता है कि अगर ये कानून व्यवस्था सही नहीं है, शराब के ठेकेदारों को कोई भी चिंता नहीं है, उनकी साठगांठ से शासन से है तभी थी तो उनकी हिम्मत आई। और आप किसी भी जोधपुर के अंदर जाएंगे, आप किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि शराब की बिक्री जो है वो कब होती है, तो सब लोग बोलेंगे कि 24 घंटे शराब मिलती है, आप आराम से आकर करिए। वो लॉकडाउन है जहाँ कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 लगाया था, उसके बाद में अभी जो है संक्रमण की पहला जो है वो कोरोना संक्रमण का जो फेज था सेकेंड फेज, और अब थर्ड फेज आने की तैयारी है। मगर सभी फेज के अंदर जो है शराब की बिक्री जारी है। हमने लाइव जो वीडियोस दिखाते हैं, लाइव वीडियोस इसलिए दिखाते हैं आपको जिससे कि आप तक जो है हम निष्पक्ष जो है खबरें पहुंचा सके और जो चल रहा है वो लाइव आपको जो है वीडियो के माध्यम से लाइव अपडेट दिखाएं। हमारा पर्पस जो है वो दिखाने का यही है, मेरा जो पर्पस है वो मेन यही है, पर्पस यही है कि कम से कम आप तक जो है वो सूचना पहुँचाए। मगर शराब के ठेकेदार जो हैं वो उनका जो है इतना ज़्यादा जो है वो हौसला बुलंद है, जो कभी भी किसी भी व्यक्ति को जो है वो मार सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप खुद जाकर के आप कभी भी शराब की दुकान, आज मैं बोल रहा हूँ इसके बाद भी आज भी कई ठेकों के अंदर शराब जारी लॉकडाउन के दौरान जो है वो बिक्री जो है, हम जो है वो कानून व्यवस्था से जो है वो न्याय की मांग करते हैं।